हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नगर पुलिस लॉकडाउन पार्ट दो को सफल बनाने में जुटी हुई है। लॉकडाउन पार्ट एक और दो के दौरान ट्रैफिक पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर नजर बना रही थी जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ऐसे पर लोगों पर कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख रुपए के चालान काटे हैं। साथ ही लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 59 लोगों पर FIR दर्ज की गई। वहीं 112 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 580 वाहनों को पुलिस ने इंपाउंड किया। हालांकि पुलिस लॉकडाउन में लोगों का सहयोग की भी बात कर रही है और मान भी रही है, फिर भी पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। जिला यमुनानगर में अभी तक काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है और जो नंबर ऑफ वायलेशंस यहाँ पर देखे गए हैं वो काफ़ी कम हैं बाकी जिलों के मुकाबले। फिर भी हमने काफ़ी हाई लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट करे हैं और काफ़ी FIR भी दर्ज हुई हैं, काफ़ी लोगों के चलान हुए हैं, गाड़ियों को लगातार इम्पाउंड भी किया जा रहा है। अभी तक अगर फिगर्स की बात करें तो कुल 1,35,00,000 के चलान इम्पोज किए जा चुके हैं ट्रैफिक के और करीब 59 FIR दर्ज हैं, 112 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 580 व्हीकल ऐसे हैं जो इम्पाउंड किए गए हैं। तो काफ़ी भारी संख्या में व्हीकल्स इंपाउंड भी हो रहे हैं, चलान भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आमतौर पे हमने देखा है कि जब हम पब्लिक को समझाते हैं, कोई चीज़ अवेयरनेस करना चाहते हैं तो लोग समझते हैं और काफ़ी विलिंगली लोग अपने आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वायलेशंस की संख्या कम है, वायलेशंस हम तभी FIR कर रहे हैं जब कोई बिल्कुल ही अति हो जाती है, लोग कहने पर भी नहीं मानते हैं, तो फिर उसके खिलाफ जो कोर्स ऑफ एक्शन है हम ले रहे हैं। तो नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसी जा रही है। यमुनानगर ट्रैफिक पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए के इस दौरान चालान भी काटे हैं। वहीं लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले 59 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कोरोना वॉरियर्स की मुस्तैदी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस ने 112 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान नियम तोड़ने वालों पर पूरी तरीके से सख्ती की जा रही है। पुलिस ने 580 वाहनों को इस दौरान इंपाउंड भी किया है। वहीं नियम तोड़ने वालों पर यमुनानगर पुलिस का डंडा भी चला है, यानी कि ये भी तस्वीरें हैं जब सख्ती के साथ ट्रैफिक पुलिस भी नियमों का पालन करवा रही है।